खबर दिल्ली के लिए अहम है। अगले 3 घंटे में दिल्ली एनसीआर में तूफान की चेतावनी है। मौसम विभाग ने ये चेतावनी दी है। दिल्ली और एनसीआर में तूफान आ सकता है और हवा की रफ्तार हो सकती है 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा। दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश की संभावना है, तो या इतने दिनों से जो गर्मी थी उससे राहत मिल सकती है। साथ ही जो धूल की वजह से मौसम थोड़ा सा हेजी हो रहा था उससे भी राहत मिलेगी। जो हवा की क्वालिटी खराब थी वो भी बेहतर होगी। बारिश का अनुमान, हल्की बारिश का अनुमान दिल्ली एनसीआर में कुछ जगहों पर लगाया जा रहा है। तो आपको बता दें कि धूल भरी आंधी जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से चल रही है, हफ्ते भर से मौसम ऐसा ही है और लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है। अब मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि आज हल्की बारिश होगी और बारिश के बाद ही हवा में जो धूल के कण मौजूद हैं वो पूरी तरह से सेटल हो जाएंगे, गर्मी से भी राहत मिलती दिखाई देगी। तो ये पुरानी तस्वीर देख लीजिए, तो जो मौसम था वो लगातार धूल भरा था, इस तरह की आंधियां देखने को मिल रही थी, हवा में प्रदूषण का लेवल लगातार बढ़ रहा था, लोगों को दिक्कत हो रही थी। जब तक बारिश नहीं होती ऐसा सही होना मुश्किल था। ऐसे में अब जब बारिश होगी तो मौसम बेहतर होगा।